हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन डिजिटल एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है ओपन डिजिटल एजुकेशन पे। मैं आपको मलिक सर फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ, और आज हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट इंडियन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी क्लियर बुक टू, उसका चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन सेटलमेंट। बुक 1 का ह्यूमन सेटलमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर एक बार आप उस वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हाँ जी, चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। क्लियर, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट रूरल एंड अर्बन द पार्ट 2। ठीक है भैया, बात चल रही है अर्बन और रूरल सेटलमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो हमने बुक 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, अर्बन सेटलमेंट क्या है, रूरल सेटलमेंट क्या है, हैमलेट्स क्या है, डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट किस तरीके के हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट बुक 1 में पढ़ी थी। अब हम इंडिया के हिसाब से बात करेंगे, इंडिया में किस तरीके की चीजों को हमने काउंट किया। तो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो है पॉपुलेशन साइज। क्या है? पॉपुलेशन साइज। यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि कुछ गांव क्या है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ गांव क्या है बहुत ही स्पार्शली पॉपुलेटेड होते हैं। तो बेसिकली इसके हिसाब से पॉपुलेशन इज नॉट अ सिंगल फैक्टर दैट डिसाइड इट इज अर्बन एरिया एंड द रूरल एरिया, बट देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच हैज टू बी डिपेंड ऑन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन द विलेजेस पर्सू एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, बट प्रेजेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रिफर द सेम लेवल का विलेजेस में रहना पसंद करते हैं और शहर में काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे आप इंडिया में भी देखो, जितने दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो लोग हैं गांव में रहते हैं लेकिन जॉब क्या करते हैं, दिल्ली में आकर जॉब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सब अर्बनाइजेशन। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि सब अर्बनाइजेशन क्या है। ये एक नया पॉइंट है जिसमें पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू द क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। आउटसाइड ऑफ दैट विसिनिटी, विसिनिटी ऑफ द सिटी। जैसे ये दिल्ली एनसीआर है, यहां से आसपास क्या है अदर स्टेट से, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत छोटे छोटे टाउन से जो खुले हुए हैं जहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, यहाँ से डेली अप डाउन कर रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो वो क्या कहते हैं, हमने सब अर्बन एरिया कहते हैं उन्हें। सब अर्बन डेवलप मतलब कि अर्बन एरिया से थोड़ा सा दूर जाके प्रॉपर जहाँ पे उन्हें अच्छा लिविंग क्वालिटी मिल रही है, ठीक है, अच्छी एयर मिल रही है, वाटर सप्लाई अच्छी है, वहां जाके रहना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन आर मोस्ट मीनिंगफुल बिकॉज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन हायरार्की ऑफ फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल पर। पेट्रोल पंप्स आर कंसीडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन द यूनाइटेड स्टेट, अर्बन फंक्शन इन इंडिया। जैसे पेट्रोल पंप की बात करें अगर हम यहाँ पे, कि कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन लेके इंडिया में क्या अर्बन फंक्शन है कि भैया शहर में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिल सकता। ठीक है, फैसिलिटी अवेलेबल इन द विलेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मे बी कंसीडर रेयर इन द विलेज ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्री। यानी कि अगर मैं बात करूं अच्छे किसी डेवलप्ड नेशन की, वहां के गांव में वो फैसिलिटीज है जो यहाँ के कुछ अर्बन या टाउन्स में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडियन सेंसस की। क्या कहते हैं इंडियन सेंसस, 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट ऑल प्लेसेस विच हैव म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड हैव द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल। एटलीस्ट 70% ऑफ मेल वर्कर्स आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आर अर्बन। यानी कि यहाँ पे इन्होंने अर्बन एरिया की डेफिनेशन दी 1991 के हिसाब से, जिन जगहों पर ये सारी चीजें अवेलेबल है या जिन जगहों की पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है, या फिर 75% of male are engaged in the other activities, ठीक है, and the density of area is 400% per kilometer square, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करके बताए कि भैया हम किस बेस पे अर्बन एरिया को डिफाइन करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टाइप एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। बहुत सारी चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें मैं आपको पहले भी समझाई थी, दोबारा समझा देता हूं। कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दिल्ली, दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल।
क्लियर। ये कहां रखोगे? रिवर वैलीज में, फर्टाइल प्लेन्स में। कम्युनिकेशन कम्युनिटीज आर क्लोजली नाइट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन भी क्या होगा? कॉमन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारे पास? चलो भाई दूसरे पेज की तरफ। डिस्पर्स सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट की अगर बात करूं ना, ये बेसिकली आपको कहां मिलेगा? रूरल एरिया में, ठीक है। हाउसेज आर स्पेस फार अ पार्ट ऑफ एन एंटर स्ट्रेस विद फील्ड्स कल्चरल फीचर्स सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप मार्केट बेंच एंड सेटलमेंट टूगेदर। यानी कि सब लोग दूर दूर रह गए, लेकिन मार्केट मंदिर ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक जगह पे ही मिल जाती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था डिस्पर्स की, कि यहाँ पे क्या होगा? घर दूर दूर है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो एक साथ मिलेंगी, जैसे मंदिर, ठीक है, मार्केट बेंच एंड सेटलमेंट क्या होगा? आसपास होगा, लेकिन पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत ही कम होगी। बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की। रूरल सेटलमेंट क्लोजली एंड डायरेक्टली टू द लैंड डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फिशिंग एक्सेट्रा। सेटलमेंट साइज बहुत छोटा होगा। फैक्टर्स अफेक्ट क्या कर रहे हैं सेटलमेंट के? सबसे पहला फैक्टर आता है वाटर सप्लाई। क्या आता है? वाटर सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्यों, यूजुअली रूरल सेटलमेंट लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज रिवर लेक स्प्रिंग्स वेयर वाटर कैन बी इजीली ऑब्टेन फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। के लिए क्योंकि रूरल है तो वहां पे सबसे मेजर जो एक्टिविटी होगी वो होगी हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है भैया। तो यहाँ पे सेटलमेंट क्या होगा? इजीली अवेलेबल होगा वाटर, तो सेटलमेंट भी जल्दी होगा। दूसरा, सेटलमेंट में अदरवाइज डिसएडवांटेज साइट सच एज आइलैंड्स सराउंडेड बाय प्लांट्स लो लाइंग रिवर बैंक्स मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट्स सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांस सच एज वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग एक्सेट्रा। तो बेसिकली द पीपल हु फाउंड वाटर नियर बाय फर्स्ट चूज दैट प्लेस टू सेटल, ठीक है। यानी कि वो जगह जहां पानी इजिली अवेलेबल था लोगों ने वहां पे सेटलमेंट करना शुरू किया। नेक्स्ट आता है लैंड। लैंड मस्ट बी फर्टाइल। क्या होनी चाहिए? फर्टाइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यूरोप विलेजेस ग्रो अप नियर द रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्पी, ठीक है, लो लाइंग लैंड स्वेल। पीपल द साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैली। कोस्टल प्लेन सुटो वेट राइस कल्टिवेशन। जैसे ही वेट राइस कल्टिवेशन का इंडिया के पास जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे मोस्टली क्या होता है? राइस का कल्टिवेशन ज्यादा है। जैसे एक बहुत छोटा सा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड इज द चाइना, राइस बाउल ऑफ द इंडिया इज द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हर साल 3 बार खेती होती है चावलों की। नेक्स्ट आता है अपलैंड्स विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग। जहां पे फ्लड नहीं आ सकता, डैमेज टू हाउस एंड लॉस ऑफ लाइफ। लो लाइंग रिवर बेसिन जहां पे सेटल ऑन टेरेस लीव्स विच आर ड्राई पॉइंट सूखी जगह पर है। क्योंकि देखो ऊपर का जो एरिया होगा ना हमेशा लो लाइन से क्या होगा? सूखा भी होगा और फ्लड के चांसेस में सबसे कम होंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं? अगर उनका एग्रीकल्चर सेटलमेंट लो लाइन भी है तो लेकिन अपने घरों को हमेशा ऊपर बनाते हैं ताकि फ्लड या बाकी चीजों से वो बच के रहे हमेशा, ठीक है। सिर्फ नियर मार्शी लैंड प्रोटेक्ट डांसर फ्रॉम फ्लड इंसेक्ट्स एंड द एनिमल पेस्ट। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग मटेरियल कैसा मिलेगा विलेजेस एरिया में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मैटर वुड स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज। अर्ली विलेज वर बिल्ट इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो जाए चीजें। नेक्स्ट, द लोएस्ट एरिया ऑफ चाइना केव ड्वेलिंग वर इंपॉर्टेंट एंड अफ्रीकन सवानास बिल्डिंग मटेरियल वर मच ब्रिज। मच ब्रिज यानी कीचड़ की क्या बनाते थे? ईटे बनाते थे। एंड द स्कीमोस, ठीक है, इन पोलर रीजन, ठीक है, यूज आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट इग्लूज। क्या बनाते थे? इग्लूज। आपने बचपन में पढ़ोगे किस तरीके के होते थे शेप, आपने देखो इस तरह की शेप होती थी, यहाँ पे इनका ये होता है, यहाँ पे गेट बनता था इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफेंस। डिफेंस का मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देखो जो भी लोग गांव के लोग चीजों को बनाते थे घर वगैरह, ठीक है, तो डिफेंस वाला सोचते थे। क्या कहते थे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं डिफेंस के। डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्यों? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एरिया में, ठीक है, तो वहां का
उस जगह पर कोई व्यक्ति फायदा उठा सकता है। वॉर हॉस्टिलिटी नेबरिंग ग्रुप विलेजेस एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे जमीनों के लिए, ठीक है। तो इन नाइजीरिया अंडरस्टैंडिंग इंसलबर्ग फ्रॉम गुड डिफेंस साइड्स इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्स आर लोकेटेड ऑन द हाई ग्राउंड फॉर द इंडिया, यानी कि डिफेंस का ध्यान रखते हुए कि हमने चीजों को इस तरीके डेवलप किया कि कोई बाहर का व्यक्ति हम पे आक्रमण ना कर दे या कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे लोगों को जान को खतरा, तो हमने डिफेंस पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट आता है प्लान सेटलमेंट, ठीक है। साइट दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन बाय विलेजर देमसेल्फ, ठीक है। प्लान सेटलमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो जगह जो सरकार ने गवर्नमेंट ने खुद सोच समझ के तरीके से बनाई, जैसे आपका ग्रेटर नोएडा बेस्ट ऑप्शन। ग्रेटर नोएडा इज कम्प्लीटली प्लान सेटलमेंट, ठीक है। पूरे तरीके प्लानिंग के साथ बसाया गया कि किस जगह पे सेक्टर होना है, किस जगह पे एजुकेशन हब होना है, किस जगह पे इंडस्ट्रियल सेक्टर होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने तसल्ली से डिवाइड करी। रूरल सेटलमेंट के पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न है टोपोग्राफी पे, ठीक है, टेरेन पे डिपेंड करता है। तो जैसे पहला आ जाता है बेसिस ऑफ सेटिंग, सेटिंग क्या है, मेन टाइप ऑफ प्लेन विलेजेस, प्लैटी विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड द डेजर्ट विलेजेस, ठीक है। इनकी इस तरीके से सेटिंग करी गई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन का फार्मिंग के बेस पे फिशरमैन विलेजेस, लंबर जैक, पैस्टोरल, इन सब के ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म द शेप सेटलमेंट में भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होंगी बहुत सारी, जिसके बेस हमने पढ़ा था लीनियर हो सकता है, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर हो सकता है, वाई शेप में हो सकता है एंड टी शेप में हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होगा, एक लाइन में बनेगा पूरा नदी के सहारे या किसी पर्टिकुलर बड़े हाईवे के सहारे या किसी कोई लेंथ वाली लेक है उसके दोनों तरफ, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है, फाउंड इन द प्लेन एरिया जहां पे इंटर माउंटेन वैलीज होंगी या रोड्स होंगी रेक्टेंगुलर शेप में, एक दूसरे को ऐसे कट करती होंगी। यहां पे शेप दे रखी है, देखिए मैं समझा देता हूं, ये देखिए लीनियर पैटर्न, यानी कि एक ही लाइन के दोनों तरफ हमने बना लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोदी नगर, क्या है मोदी नगर, एक सिटी पड़ती है छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली से मेरठ के बीच में क्रॉस शेप पैटर्न, ठीक है, ये विलेजेस एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टार लाइक, यहाँ पे बहुत सारी रोड्स एक दूसरे से मिलती है और उनके दोनों तरफ क्या सेटलमेंट हो जाता है। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट है। नेक्स्ट टी शेप, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे एंगल हुआ, यहाँ पे इन सब पे इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। सर्कुलर पैटर्न, ये एक लेक है जिसके चारों तरफ से रोड्स जा रही है और यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। डबल पैटर्न, डबल पैटर्न मतलब एक पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा पैटर्न यहाँ खत्म, बीच में रिवर है, कोई ब्रिज नहीं है, एक सेटलमेंट इधर चल रहा, दूसरा सेटलमेंट इधर चल रहा। ये क्या है, ये कुछ हमने सिंबल्स दिए चीजों को मार्क करने के लिए। अगर ये दिया हो तो रेलवे, ब्रिज, टेम्पल, रोड, ये सारा सारा आपका प्रैक्टिकल से ही कभी पूछा जाता है ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, टी शेप, वाई शेप पैटर्न, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे देखो ये छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर डायग्राम रहता है लीनियर पैटर्न, यहाँ देखो एक मेन रोड जा रही है जो की तरफ टर्न होगी और यहाँ पे ऐसे लगा सारा पैटर्न, देखो ये सारा का सारा क्या सेटलमेंट है एक लाइन में कम्प्लीट, ठीक है। वाई शेप क्या है, मान लो वाई शेप बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलेगा जहां पे दो रिवर बाइसर्केट हो रही हो या दो रिवर आके मिल रही हो। तो मान लीजिए एक रोड ये है या एक रिवर ये है, दूसरी रिवर यहाँ से बाइसर्केट हो, तो ये एरिया सेटलमेंट का है, ये एरिया सेटलमेंट का और ये एरिया सेटलमेंट का है। प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, वाटर सप्लाई, क्या है वाटर सप्लाई। डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पुअरली इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रेट चैलेंज है। सबसे पहला क्या, सप्लाई ऑफ वाटर टू द रूरल सेटलमेंट, डेवलपिंग कंट्री नॉट एडिक्वेट, उतना नहीं है जितना उन्हें चाहिए। पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलर इन द माउंटेन्स एंड एरिड एरिया हैव वॉक लॉन्ग फॉर द टू फैच द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज बहुत सारे, कोलेरा, जॉन्डिस, स्टैंड टू द कॉमन प्रॉब्लम। कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फिर ड्रॉट एंड फ्लड जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ड्रॉट का रीजन तो क्या बारिश, सबसे ज्यादा बारिश की होगी तो ऑटोमेटिकली सूखा पड़ जाएगा, लेकिन फ्लड कंट्रोलिंग सिस्टम भी हमारे पास
अभी दिल्ली एनसीआर में 4 घंटे चलने से बारिश है तो पूरा दिल्ली क्या था कि पानी में डूब गया। क्यों? क्योंकि क्या हमारे पास वाटर मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर? सही। दूसरा पॉइंट क्या था? जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट, गार्बेज, ये बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है जो रूरल सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे कि गाँव तो है ठीक है, लेकिन वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ठीक है, उनके पास क्या है, सैनिटेशन नहीं है ठीक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। बट जब कभी भी इन सारी चीजों के बारे में बात करी जाती है ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स ठीक है। लो लाइंग एरिया जो है, जो बिल्कुल मैं बात कहूं कि फुट हिल्स पे जो गांव बसे हुए हैं ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से फ्लड आए या लैंडस्लाइड, उनका सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है ठीक है। तो उनके लिए क्या चाहिए, एक सेटलमेंट वहां पे किस तरह, वो पक्का सेटलमेंट नहीं बनाते, वो कैसे सेटलमेंट, कच्चा सेटलमेंट कि भाई उन्हें पता है कि बाढ़ आ सकती है, बारिश हो सकती है, हम हर बार एक पक्का मकान में बह के चला जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उस जगह को उसी तरीके के घर उन्होंने बनाने सीखे। अनमेटल्ड रोड्स, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें, चलो अर्बन सेटलमेंट का ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। रैपिड अर्बन ग्रोथ रिसेंट फिनोमेना, रिसेंटली बढ़े हैं, पहले नहीं थे, सबसे स्टार्टिंग में गांव बने, गांव से छोटे छोटे कुछ ऐसे धार्मिक जगह हुई जहाँ पे लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू किया, बनारस, पटना, आप कानपुर ठीक है, दिल्ली, ये सारी जगह ले लीजिए। ये सारी चीजें नदी के किनारे थी, धार्मिक प्लेस रहे कभी अपने टाइम पे ठीक, आज भी है क्लियर। तो क्या सेटलमेंट पहुंच गया, नंबर ऑफ थाउजेंड इनहेबिटेंट बढ़ने लगे, क्यों, वहां पे क्या रोजगार की व्यवस्था अच्छी थी और वहां पे फैसिलिटीज अच्छी मिलने लगी, तो क्या हुआ, लोग अर्बन एरिया की तरफ भागने लगे। कभी देखा जाए तो दिल्ली बहुत छोटा सा था और आज की डेट में दिल्ली बहुत बड़ी है ठीक है, और वो भी छोटी लग रही है लोगों को, लगा कि आसपास के एरिया को भी दिल्ली में इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि लोगों को और अच्छा सेटलमेंट मिल सके। तो मैं बात करते हैं, देखो 1810 by 1820 approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population ठीक है। Presently, 54% of world population live in the urban settlement compared to only 3% in the year 1800. 1800 में 3% लोग अर्बन एरिया में रहते थे, आज की डेट में 54% population कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में। देखिए 3, 6, 14, 30, आज भी कितना है, 2017 के साथ 54 और 2024 के साथ तो मेरे ख्याल से 60% हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की अर्बन सेटलमेंट की ठीक है। सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन साइज, क्या आता है, पॉपुलेशन साइज डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड स्टेटस सेटअप डिपेंड करता है कि एग्री कैसा अर्बन एरिया है। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था, अर्बन एरिया लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन सेटलमेंट भी डिजिग्नेटेड इन अर्बन, 1500 इन कोलंबिया, 2000 इन अर्जेंटीना, 2500 यूएस, 5000 इन इंडिया, 30000 इन जापान। बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर पर्सन, शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर इज मैक्सिमम, देन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज काउंटेड इन द अर्बन एरिया ठीक है। इसके हिसाब से लेकिन यहाँ पे क्या बोला, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ऑल प्लेसेस विद द पॉपुलेशन साइज 250% आर कॉल्ड द अर्बन, दैट मींस कि वो लोग जहां पे 250 लोग रहते हैं उसे भी उन्होंने क्या क्या दिया, अर्बन एरिया में काउंट करना शुरू कर दिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मैंने भी बताया, सिंपल सा पॉइंट है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी का 75% से ज्यादा है और कुछ डेवलप्ड नेशन में 50% से ज्यादा है, तो उन एरिया को उन्होंने क्या बोला, अर्बन एरिया काउंट करना शुरू कर दिया ऑक्यूपेशन के बेस पर। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, म्युनिसिपैलिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, या एरिया काउंसिल में, या लैटिन अमेरिका में बोला जाए, ब्राजील एंड बोलीविया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, तो उसे भी हमने क्या कहा, अर्बन एरिया में काउंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डिपेंड करता है लोकेशन, बेसिकली लोकेशन है क्या, कि देखो हम लोग गांव घूमने जाते हैं ठीक है, होलीडे रिजोर्ट पे जा रहे हैं, अलग चीज होगी, लेकिन किस बेस को मैं कहूं कि अर्बन एरिया, जहां पे क्या होगा, सी पोर्ट, मिलिट्री सेंटर, नेचुरल डिफेंस, माइनिंग टाउन्स ठीक है, इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स ठीक है, लोकल एनर्जी सप्लाई, रॉ मटेरियल, ये सारे सारे क्या है, हिस्टोरिकल रिप्लिक्स फोर्ट रिक्वायर, ये क्या है, ये सब अर्बन एरिया का पार्ट है, यानी कि इनकी लोकेशन क्या है, जहां पे सारी की सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से अलग है ठीक है, या जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हब है या मिलिट्री हब है, तो हमने उसे अर्बन एरिया का नाम देना शुरू कर दिया ठीक है। लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट क्या थी, जहां पे पानी मिलता था,
बिल्डिंग मटेरियल और फर्टाइल एंट्री। लेकिन आज की डेट में क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग कहीं पे भी सेटलमेंट करना, सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट हो गया सकता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अच्छा है, लाइफ की लग्जरी अच्छी है, तो आज की डेट में अर्बन सेंटर बनाना भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ग्रेटर नोएडा, नोएडा को देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं। क्लियर? फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर, अर्ली टाउन क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी। आज की डेट में क्या है, रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट इस एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड टाउन, यानी इनको क्या कह दिया, स्पेशलाइज्ड टाउन, जैसे नोएडा, पुणे, गुड़गांव आईटी सिटीज है। क्या सिटीज है, आईटी, यहाँ पे आईटी का काम ज्यादा हो रहा है। क्लियर बात है, बनारस, मथुरा कल्चरल सिटीज है, ठीक है, यहाँ पे भगवान की पूजा ज्यादा हो रही है। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी है, वहां पे स्पोर्ट्स का काम ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी शहरों को उस तरीके से बसाना या बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बहुत सारे हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की बात करो, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन वो है जहां पे बेसिकली सब होता है, जैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, हर स्टेट की कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, ठीक, जहां से पूरे स्टेट का, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता हो, उसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहना शुरू कर दिया। यानी कि जहां पे गवर्नमेंट के रूल लोग बैठते हैं और सारे डिसीजन वहां पे उस पर्टिकुलर के एरिया के लेते हैं, उसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहना शुरू कर दिया। तो आगे की बात करें, ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन बहुत सारे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाउन की बात करें, जहां पे काम ही के लिए किस चीज का होता है, ट्रेडिंग का, ठीक है, मुंबई, ठीक है, माया नगरी, या कहते फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली काम क्या होता था वहां पे, पहले वहां ट्रेडिंग का काम हुआ सबसे पहले, वहां से क्या होता है, ट्रेड होता था, पोर्ट से कई सारे सामान आता था जाता था, सेम वेस्ट बंगाल वो भी कहता है ट्रेडिंग हब था, ठीक, वहां पे भी सारी चीजें चल रही, लेकिन धीरे धीरे और बाकी एक्टिविटीज इकट्ठी होती चली गई, तो हमने चीजें करना शुरू कर दिया। जैसे ग्रेटर नोएडा के बाद दादरी एक जगह है, ठीक है, अगर मैं कहूँ दादरी को आज की डेट में तो ट्रेडिंग हब है, क्यों, इंडिया का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट यार्ड कहाँ पे है, दादरी में, ठीक है, सारा ट्रेड कहाँ से कंट्रोल हुआ, नॉर्थ इंडिया का, दादरी से, ठीक। कल्चरल टाउन्स, कल्चरल टाउन्स में मैंने भी बहुत सारे बताए, जगन्नाथपुरी, बनारस, ठीक है, कल्चरल टाउन, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आप मथुरा चले जाओ, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, पुरी चले जाओ, या रामेश्वरम चले जाओ, ठीक, ये सारी जगह कैसी है, जैसे उत्तराखंड को तो देवभूमि ही कह दिया, पूरे उत्तराखंड को क्या कह दिया, देवभूमि, पूरा स्टेट ही क्या है, कल्चरल टाउन पे नाम पे चल रहा है, टूरिज्म सबसे ज्यादा बेस्ट है वहां पे, ठीक। दूसरा, क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स के साथ में, अब देखो ये आया एडिस अबाबा, ठीक है, द नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल एडिस अबाबा, नेम इज इंडीड एडिस नाइट फ्लावर, न्यू सिटी विच वाज स्टेबलाइज्ड 1878, लोकेटेड इन द हिल वैली, टोपोग्राफी द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस, क्या है, रोड पैटर्न देख लो, यहाँ पे एक खत है, यहाँ पे चारों तरफ ये, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से आप इनकी देखिए, क्या क्या इन्होंने हर जगह पे स्टोरी सेटलमेंट करना शुरू किया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है नीचे, स्काई लाइन ऑफ, अगर ऊपर की तरफ देखिए क्या है, एक तरफ शॉर्ट बिल्डिंग्स है, एक तरफ हाई बिल्डिंग्स है, ठीक है। द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर प्लाजा अरत एंड अमिस्ट किलो राउंड अबाउट, जैसे दिल्ली को देख लीजिए आप सारा, दिल्ली का कितने भी हब चले जाओ, दिल्ली मोस्टली क्या है, ये सी हब्स ऐसी तरीके से फ्लावर शेप्स बन रही है, ठीक है, कहीं भी जाओ दिल्ली में, आपको जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हब है सब क्या नियर बाय है। ये कहानी है सबसे बड़ी, कि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी चीजें बसाई ना दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं सब एक जगह हो। आप दिल्ली में जाइए इंडिया गेट के आसपास जितने भी सेंट्रल सेक्रेटरिएट के ऑफिस हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, ठीक है, गवर्नर निवास, जितने भी सब क्या एक जगह ही, एक जगह उन्होंने बनाया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि ताकि सब क्या नियर बाय रहे, ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, चलो कैनबरा रह गए, सॉरी,
कैनबरा प्लांट कैपिटल ऑस्ट्रेलिया 1912 अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाल्टर वाल्टर बर्नली गिफ्टन ने बनाया कैनबरा गार्डन सिटी 25,000 पीपल अकाउंटेबल ये नेचुरल फीचर्स है ये देखिए सारी चीजें क्या अगर देखें तो सर्कुलर फॉर्म में आ रही है किसमें आ रही है सर्कुलर फॉर्म में देखो नेशनल वार मेमोरियल बेडम टर्नर ऑस्ट्रेलियन नेशनल बायोटेनिक गार्डन ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ठीक है कॉमनवेल्थ पार्क सारी क्या सबको नियर बाय कनेक्ट करके रखा रोड से कि अगर डायरेक्टली जाना हो तो मैं एक सीधी रोड पकड़ू वहां पर पहुंचू ठीक है इसे कहते हैं प्लान डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है अर्बन सेटलमेंट में टाउन्स। टाउन्स क्या हुए बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस ऑफ विलेजेस। पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया नहीं है फंक्शनल कॉन्टेस्ट भी यानी कि गांव से थोड़ा बड़ा जहां पे डेली की बेसिक नीड्स ठीक है आपको इजीली अवेलेबल हो जाए ठीक है। सिटी रिगार्डेड द लीडिंग टाउन यानी कि कोई शहर जो टाउन बढ़ता जा रहा है जैसे अगर मैं बात करूं आज से कुछ टाइम पहले की हापुड़ बगल में अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका सिटी बने पहले कभी वो टाउन हुआ करता था धीरे धीरे लोग बसना शुरू हुए रेलवे आई अदर फैसिलिटी आई उसका एरिया बढ़ता चला गया पॉपुलेशन साइज बढ़ा एक्टिविटीज बढ़ती चली गई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उसके अंदर तो किसका कन्वर्ट कर दिया हम उसे सिटी में कन्वर्ट कर दिया ठीक है। जैसे दिल्ली भी कभी छोटा होगा आज डेट में क्या मेगापोलिस सिटी है ठीक है यानी क्या कहते हैं बहुत बड़ा महानगर ठीक है। कॉन्फ्लुएशन क्या कहता है कॉन्फ्लुएशन क्या है कंसीडर पैट्रिक गेट इज 1915 अपेयर लार्ज एरिया ऑफ अर्बन दैट रिजल्टेड फ्रॉम मर्जिंग ऑफ ओरिजिनल सेपरेट टू टाउन सिटीज। जैसे अब मैं बात करूं इसका बेस्ट एग्जांपल नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी ठीक है ये तीन अथॉरिटीज है गौतम बुद्ध नगर के अंदर इन तीनों को मिला के हमने क्या कह दिया कन्वर्जन बना दिया ठीक है यानी कि इनको ओरिजिनल थे इन्हें मर्ज करके नोएडा से ग्रेटर नोएडा कब आ जाते पता ही नहीं चलता ग्रेटर नोएडा से यमुना अथॉरिटी में कब एंटर होते पता ही नहीं चलता ठीक है। मिलियन सिटीज क्या हैज बीन इंक्रीजिंग नेवर बिफोर लंदन हो गया मिलियन मार्क यानी कि मिलियन मार्क कब आ गया उसका 1800 सेंचुरी में फॉलोड बाय पेरिस न्यूयॉर्क 1860 देयर अराउंड 80 सिटीज इन द वर्ल्ड ठीक है जो क्या है मिलियन में। मेगापोलिस कौन सी होती है ग्रीक वर्ड ग्रीक सिटी ठीक है जैसे जीन गॉटमैन 1857 में था आज की डेट में इंडिया के अंदर दिल्ली मुंबई चेन्नई ये कई सारी सिटीज है जो किसमें आती है मेगापोलिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज किसकी बात करते हैं ये जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन पीपल से ज्यादा है ठीक है सब में क्या कह दिया हमने उन्हें हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन मेगा सिटीज में भी यानी 50 साल लगे कुछ चीजों को इंक्रीज होने में और आज की डेट में 5 साल नहीं लगते उसे डबल होने में पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हमारा ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ उनकी बात करते हैं हम यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट सबसे पहला इकोनॉमिक सोशो कल्चर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम्स है मैं तीनों प्रॉब्लम को बताता हूँ। देखो अगर अर्बन एरिया में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट घटेगा ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी तो वहां पे लोड बढ़ेगा लैंड प्रेशर बढ़ेगा और जब लैंड प्रेशर बढ़ेगा तो बेसिक एमिनिटीज जो है जो बेसिक चीजें है उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना उसका क्या होगा महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ठीक है। दूसरा सोशो कल्चर अब क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज में हर कल्चर का आदमी वहां पे रह रहा है ठीक है बेसिक चीजें इनसफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्स है एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यार कि ग्राउंड भी चाहिए हॉस्पिटैलिटी भी चाहिए अच्छी रोड्स भी चाहिए टैक्स पे करें तो एक कल्चरल आदमी कहता है कि नहीं भाई मेरे को तो मस्जिद भी चाहिए एक कहता है मंदिर भी चाहिए एक कहता है चर्च भी चाहिए बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम करके तो इन सारी प्रॉब्लम को हम अर्बन सेंटर में किस तरीके से डील करेंगे इसके लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा है ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या कहती है भाई देखते हैं जितना ज्यादा शहर बसेगा ठीक है उतनी ज्यादा वो गंदगी करेगा ठीक। सेटलमेंट के लिए जमीन चाहिए जमीन कहां से मिलेगी जंगलों से मिलेगी डिफॉरेस्टेशन होगा पहली बात
अर्बन एरिया है तो फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी, एयर कंडीशनर्स भी चलेंगे, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, व्हीकल्स भी चलेंगे और लैंड प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज घट जाएगी और गार्बेज भी उसी के हिसाब से ज्यादा निकलेगा। तो जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतनी ज्यादा एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज बनाएंगी तो लैंड पॉल्यूशन भी करेंगे, वाटर पॉल्यूशन भी करेंगे और एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन भी करेंगे, जिससे क्या हुआ एनवायरमेंट को नुकसान होना ही होना है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन लगता अच्छा है कि बन रहा है, हम लोग शहर में रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था हमारा। ठीक है, तो बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि भैया चीजें सारी हो जाएंगी, हम सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर देंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि अर्बन सेटलमेंट में अलग अलग कमेटी, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन फैलाएंगे, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल, किसी को सोशल कल्चर, क्योंकि अर्बन एरिया इज नॉट डोमिनेटेड बाय द सिंगल कम्युनिटी, it is the share of different type of community and different type of communities have the different social and cultural program and they will what kya karenge ek dusre se ladenge jhagdenge aur apni cheezon ko aage badhane ki koshish karenge। theek hai, to aaj ka chapter tha india mein human settlement ki baat kar rahe the, humne urban aur rural padha is video se pehle, phir se keh raha hu ek baar aap dusri video ko bhi dekhen jo first book ki hai, to dono chapter aapke easily cover ho jayenge। thank you so much, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जल्दी मिलते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, थैंक यू सो मच।